नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर कारवा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको फार्मिंग रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मॉडल के बारे में जानकारी लेंगे और ये कौन सा मॉडल है, इसका क्या स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, उसकी विशेषताओं के बारे में विशेष जानकारी के लिए मेरे साथ भैया। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं थोड़ा हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी सर मैं बताना चाहूँगा, ये जो मशीन है इसको हम मोबाइल शेडर बोलते हैं। ओके। कॉटन शेडर भी बोलते हैं। ओके। तो इसका जो यूज है वो बहुत अच्छा है हमारे किसान भाइयों के लिए। एक बार आप थोड़ा सा ये फोटो दिखाएंगे मेरे किसान भाइयों को। हाँ हाँ। ये इस तरीके से है सर। ओके ठीक है। मैं कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा, जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है। इसको हम दो तरीके से ऑपरेट करते हैं। ओके। एक तो हम लोग मक्के की फसल में करते हैं, जैसा कि अभी आपने फोटो में जो दिखाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा हम कॉटन की हार्वेस्टिंग के लिए भी करते हैं। ओके। कॉटन का जो डिस्ट्रॉय मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर, वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। ओके। अब इसमें अगर हम जैसे अंदर एक व्हील लगा होता है, उसमें अगर 12 ब्लेड लगा के काम करेंगे और लॉन्ग फुट लगा के काम करेंगे तो ये मेज के लिए काम में आएगा। ओके। मेज में बारीक चॉप करके पशुओं को कैटल फीडिंग में, डेयरी फार्मिंग में, इन सेक्टर में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ओके। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि जैसे कपास की फसल है, उसको हार्वेस्टिंग होने के बाद जो डिस्ट्रॉय करना रहता है, तो उसके लिए 6 ब्लेड का व्हील यूज करके हम उसको बारीक खेत में हाफ सूट के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि आपका कंपोस्ट वगैरह के आगे से काम आ जाता है। ओके। तो काफ़ी यूनिक है, इसमें टीथ लगे हुए हैं, ये सारा बोरोन स्टील का मटेरियल यूज किया हुआ है, हैवी मेटल का यूज किया हुआ है कंपनी ने सारा। इसके लिए ट्रैक्टर HP का हम लोग 50 HP रिकमेंड करते हैं। हाँ हाँ। 50 HP सफिशियंट है इसके। ओके। मिनिमम 50 HP ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होगा। बाकी भैया, इसका गियर बॉक्स वगैरह की अगर बात की जाए तो इसमें सर दो गियर बॉक्स होते हैं। ये ट्रैक्टर PTO ऑपरेटेड गियर बॉक्स हो गया, यहाँ से पावर इधर ऑपरेट देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ओके। तो यहाँ ट्रांसमिशन गियर बॉक्स लगा होता है। ओके। उससे ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। ओके जी, ठीक है। और इसके सर्विस और इसके वारंटी की अगर बात की जाए तो इसमें भी सर सेम है, ऑयल वगैरह का बस चेंजेस किया जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता सर्विस को लेके। ओके। और वारंटी की बात की जाए तो 1 ईयर वारंटी देंगे हम। इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही था दोस्तों आज का पूरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो जाकर लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपको फार्मिंग सेक्टर सारी जानकारी मिलती रहती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।